अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के मौके पर सहरसा जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज सुबह से ही किया गया। वहीं प्रेक्षागृह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी वैभव चौधरी, पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा, DDC संजय कुमार निराला, SDO प्रदीप झा सहित तमाम अधिकारीगण की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद DM और पुलिस कप्तान को पौधा देकर उनका इस्तकबाल किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर के योग गुरुओं ने शिरकत किया, जिन्होंने जीवन में योग कितना महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी दिया और कई तरह योग कराया और उनके आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है उसकी बारीकी को समझाया। वहीं इस कार्यक्रम सभागार में मौजूद योगी संजू दीदी ने भी काफी करीने के साथ जीवन में योग की क्या है जरूरत इस पर प्रकाश डाला और लोगों को इस खास मौके पर शपथ दिलाया गया कि अपने व्यस्तम दिनचर्या में समय निकालकर योग कर अपने जीवन को तनाव मुक्त करने के साथ साथ निरोग बनाए। मन और तन को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। मैं बिगड़ने की काफी अधिक संभावना हो गई है और देख भी रहे हैं हम लोग कि इतने जो फिट लोग थे या जो एकदम बॉडी बिल्डर टाइप के लोग थे, उनको किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ अन्य प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, या फिजिकली लगता तो आदमी सामने से सही है परंतु अंदर ही अंदर से क्या दिक्कतें होती हैं, ये बहुत ही बड़ा एक आजकल के जमाने में फैक्टर हो गया लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो उससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग अपने लिए स्वयं के लिए समय निकालें, अपने शरीर के लिए समय निकालें। और चूंकि योग शिक्षा हमारे देश की शिक्षा है, हमारे भारत जो एक महान देश है यहीं पर इसका जन्म हुआ है और इसी से ही बाकी चीज हम लोग बोले एक्सरसाइज हो, जुम्बा हो, एरोबिक्स हो या जो अन्य प्रकार की चीजें हैं वो सब इसी के ही पुत्र पुत्रियां हैं योग के ही। तो असली माँ बाप जननी स्वास्थ्य हम लोगों का योगा ही है। तो इस पुरातन चीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आप सभी लोग जानते भी होंगे उनके द्वारा रिकॉग्नाइज इसको करते हुए पूरे विश्व भर में ये बहुत ही सम्मान की चीज है हमारे देश के लिए कि हम लोगों के एक प्रथा थी या हम लोगों की ये टेक्निक को इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो ये काफी एक अच्छा सब लोगों के लिए है। हमारे शरीर जो फिजिकल रूप में हम लोगों को दिखता है बल्कि मन और आत्मा तीनों को इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है और वो योग के ही माध्यम से हो सकता है। इसके कारण योग के कारण हमारा पूरा बॉडी जो अभी हम लोगों को काफी हल्का महसूस होता है। जी सर्वप्रथम मैं सभी जिलेवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ पर प्रेक्षागृह में सभी हमारे योगाचार्यों के द्वारा, जिले के प्रबुद्ध योगाचार्यों के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अंदर हमारे समाहरणालय के, DRDA के, खेल विभाग के, शिक्षा विभाग के, पैरामेडिक के छात्र छात्राएं, जीविका दीदी लोग, आंगनबाड़ी के और बहुत से लोगों ने इसे पार्टिसिपेट किया और इसके लाभ के बारे में जाना कि कैसे वो लोग बैठे बैठे भी या घर पर भी आसान योग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने जिलेवासियों से भी अपील करूंगा कि वो लोग अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल रखें ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की जो दिक्कत अवॉइडेबल है उन सबसे बच सकें। और योगा के जो हम लोगों के देश की एक संस्कृति है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भी इसके ऊपर बहुत फोकस देते हैं, तो इसके ऊपर सब लोग अपने स्तर से भी थोड़ा भी प्रयत्न करें और अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखते हुए एक स्वस्थ जीवन शैली जिए। क्या लोगों को संदेश देना? सबसे पहले तो आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सहरसा जिले वासियों को बधाई और आज जिला प्रशासन के द्वारा एक योगा का एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था और साथ ही यह भी बताया गया था कि योग हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से सहरसा जिले वासियों से रिक्वेस्ट है कि योग को अपने जीवन शैली के रूप में उतारें और स्वस्थ रहें।